हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं मुकेश कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द पीएम ट्यूटोरियल्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। किसी भी नई साइकिल के हैंडल और रिम शुरुआत में बहुत ही चमकदार होते हैं, बट जैसा कि आप जानते हो धीरे धीरे उनकी चमक कम हो जाती है, मतलब उनके उनके ऊपर धीरे धीरे स्क्रैचेस आ जाते हैं। आपने देखा होता है कि गहने, जो गहने चमकदार होते हैं धीरे धीरे वो भी डल हो जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे गहने पहने हुए देखा होगा कि जो बिल्कुल सोने की तरह लगते हैं बट वो होते नहीं है, ठीक है। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, एक मेटल की परत दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा। जैसा कि आप सब फिगर में देख रहे हो, हमने एक सर्किट लिया है जिसे एक पहले कांच की वेसल में रखा गया है। कांच की वेसल में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया है जो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे वह पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। वो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो कॉपर की इलेक्ट्रोड्स लगाई गई हैं, ठीक है, जिसे वायर के साथ बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कराई जाती है क्या होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कॉपर और सल्फेट आयंस में ब्रेक हो जाता है और जो इलेक्ट्रोड्स नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, कॉपर क्या करता है, कॉपर पॉजिटिव आयन होता है वह नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ देखोगे, आप कहोगे कि सर कॉपर सल्फेट में से जब कॉपर आयन कॉपर रोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है तो कॉपर सल्फेट में कॉपर कहां बचा, सारा कॉपर तो डिपॉजिट हो गया। जी नहीं, हमने दो कॉपर की इलेक्ट्रोड्स यूज की है। उन दो कॉपर के इलेक्ट्रोड्स में एक कॉपर की इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव आयन से जुड़ी हुई है वो क्या करती है, अपने अंदर से कॉपर प्लस प्लस आयन को रिलीज करती है और सॉल्यूशन में कॉपर के एग्जिस्टेंस को बनाकर रखती है। इससे पता चलता है कि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर कॉपर ट्रांसफर हो जाते। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। विद्युत धारा की मदद से किसी वांछित धातु की परत किसी दूसरी धातु पर डिपॉजिट करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम विद्युत लेपन कहते हैं। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यह बेस्ट एग्जांपल। हम किसी एक मेटल पर दूसरे मेटल डिपॉजिट करते हैं, क्यों, क्योंकि उस मेटल में वो प्रॉपर्टीज नहीं होती जो इस मेटल में होती है जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है किसके ऊपर, कार स्पेयर पार्ट्स हो गए, बार टैप्स हो गए, किचन गैस बर्नर हो गया, बाइसाइकिल हैंडल हो गया और व्हील ऑफ रिम्स हो गया आपके बाइसाइकिल की, ठीक है। अब आप बोलोगे सर क्रोमियम ही क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि क्रोमियम क्या होता है, चमकदार होता है और इसमें जंग आसानी से नहीं लगती। तो आप कहोगे सर सारी की सारी साइकिल क्रोमियम से ही क्यों नहीं बनाते, ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि क्रोमियम क्या होती है, बहुत ही कॉस्टली होती है, बहुत ही महंगी होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम बाकी सारे स्पेयर पार्ट्स आयरन और दूसरे मेटल्स के बनाते हैं जिसके ऊपर क्या करते हैं, क्रोमियम की प्लेटिंग चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वह वस्तु चमकदार और जंग न लगने वाली हो जाती है। ऑर्नामेंट्स यानी गहने बनाने वाले सस्ती धातुओं पर चांदी या सोने की परत चढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है, वह वस्तुएं चांदी और सोने की तरह लगती हैं बट वो असल में होती नहीं है। इसलिए हम कहते हैं हर पीली दिखने वाली वस्तु सोना नहीं होती, ठीक है। हम फूड स्टोरेज के लिए टीन के कैंस बनाते हैं। टीन के कैंस वास्तव में वो आयरन के होते हैं जिसके ऊपर टीन की कोटिंग की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि आयरन डायरेक्टली फूड मटेरियल्स के साथ रिएक्शन ना कर पाए। लोहा जो होता है वो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन में स्पेयर पार्ट्स बनाने में यूज होते हैं, ठीक है। आप सब जानते हैं लोहा बहुत ही आसानी से लोहे में जंग लग जाता है, जिसकी वजह से हम लोग उस पर क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं उससे सुपीरियर मेटल की, जो मेटल होती है जिंक। मतलब किसी भी लोहे के पार्टिकल लोहे के स्पेयर पार्ट्स के ऊपर जिंक की कोटिंग करना, इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।